सर हम पर्सनली रूप से अप्रैल महीना से आ रहे हैं 2017 से, आप जनवरी में ज्वाइन किए हैं, तो आपका सारा चीज़ हम लोग देखते हैं कि काफ़ी प्रभावित है आपके कार्यों से। तो सर यहाँ जब आए थे शुरुआत में तो सबसे पहला चीज़ था कि जो सेशन था वो काफ़ी लेट था और आपने उसमें सुधार किया है, लेकिन अभी भी जो सर लेट है सेशन, 13 का एग्ज़ाम जो है पार्थर का नहीं हुआ, उसमें सर आप किस प्रकार से सुधार कर पाएगा, कब तक कर पाए सुधार? उसमें 13 वाले पर जिस दर संकेत आपने किया वह तो सबसे प्रमुख चुनौती है कि 13-16 के स्नातक का अंतिम वर्ष की परीक्षा होनी है और वो बच्चे बच्चियां अपने करियर के साथ साथ अपने अन्य सामाजिक दायित्वों से भी वंचित हो जा रहे हैं और अधिकांश वे छात्राएँ और छात्र हैं जो बाहर नहीं जा सकते, उनके साथ का जो इंटरमीडिएट करके चला गया वो तो अब दूसरी जगह से स्नातक कर भी लिया या कर लेगा, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत सारी माताओं का फ़ोन आता है, बहुत सारे पिता लोगों का फ़ोन आता है कि बच्ची की कहीं शादी तय है या ये है और दूसरा पक्ष जो है वो उनका अंक पत्र या प्रमाण पत्र मांगता है, ऐसे में बहुत ही मानसिक आघात पहुँचता है। हम भी अभिभावक हैं, मुझे दिक्कत इतनी नहीं है कि पूर्ववर्ती लोगों के कारण वैधानिक संकट भी है, परंतु हम सबको मिला करके समग्र रूप से शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय और शिक्षा प्रमुख शिक्षा सचिव तथा राज्यपाल के सचिवालय से संपर्क में है। हमने उनको पत्र लिखा है और निवेदन के साथ कहा है कि सबसे पहले 13-16 के अंतिम वर्ष में जो भी हैं, अंतिम वर्ष पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 अंतिम वर्ष के स्नातक तृतीय वर्ष जिसमें बी काम तृतीय वर्ष, बीएससी तृतीय वर्ष, बीए तृतीय वर्ष के छात्र और छात्राएं हैं, उनकी परीक्षा हो जाती तो एक साधारण बैकलॉग क्लियर होता। उसके बाद भी लगातार 3 वर्षों के बीए पार्ट 1 की परीक्षा है, कुछ की पार्ट 2 की परीक्षा है, ये परीक्षाएँ और स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 की परीक्षा।